हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। हम अपना जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, हमें पता है आयरन और स्टील को हम मैग्नेट के पास रखते हैं तो मैग्नेटाइज हो जाते हैं, मतलब या फिर मैग्नेट की तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं, हम यही पढ़ते हैं। तो हमारे सिर्फ ये दो मटेरियल ही नहीं है, आयरन और स्टील दो मटेरियल ही है जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या फिर वो मैग्नेटाइज होते हैं। हमारे सारे जो भी सब्सटेंसेस, जो भी मटेरियल है, हमारे सारे मैग्नेटाइज हो सकते हैं, लेकिन वो उनके बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि उनका बिहेवियर कैसा है। तो उनके बिहेवियर के बेस पे ही हम उन मैग्नेटिक मटेरियल्स को क्लासिफाई करते हैं। उन उनके बिहेवियर के बेस को हम जो उनको क्लासिफाई करते हैं, उनको हम तीन कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले होती है हमारी डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, डाया मैग्नेटिक मटेरियल्स। सेकंड होता हमारा पैरा मैग्नेटिक मटेरियल्स, और थर्ड होता है हमारा फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स। हमने इनको इनके बिहेवियर के बेस पे क्लासिफाई किया है कि अगर उनको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उनका कैसा बिहेवियर होता है, उनके बेस पे हमने उन सब्सटेंसेस को या फिर उन मेटेरियल को क्लासिफाई किया। हमारे डायमैग्नेट मटेरियल्स होते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। तो इनमें मतलब ये मेटेरियल क्या क्या होते हैं, इनकी क्या डेफिनेशन है, हम उनको कैसे क्लासिफाई करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या, हम वो देखेंगे कि किस बेस पे हमने उनको इन कैटेगरी में रखा है। और हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी बताएंगे कि हमारे डायमैग्नेटिक कौन से होता है, पैरा कौन से होते हैं और फेरोमैग्नेटिक कौन से होते हैं, उनके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हमारे डायमैग्नेटिक मेटेरियल्स है, हमारे डायमैग्नेटिक मेटेरियल्स होते हैं, ये वो मेटेरियल्स होते हैं, अगर हम इनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं, मतलब जो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो हम अगर इन सब्सटेंस को, हमारा कोई मटेरियल है उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, तो जो हमारे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मैग्नेटाइज होगा। एक तो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो हमारा मटेरियल मैग्नेटाइज होता है। तो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स है ये फेबली, मतलब बहुत ही स्मॉल अमाउंट में मैग्नेटाइज होंगे, और वो क्या होंगे, जो डायरेक्शन हमारे मैग्नेटिक फील्ड की होती है उससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज होंगे। मतलब कि इनकी जो खुद की मैग्नेटाइजिंग फील्ड आएगी वो क्या होगी, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो हम क्या, सबसे पहला हमारा क्या है, डायमैग्नेटिक मेटेरियल्स है। तो मैग्नेटिक मेटेरियल्स के बारे में बताते हैं, हमारी इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, हमारी जो हमारे डायमैग्नेटिक मेटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फेबली मैग्नेटाइज होते हैं। क्या इनकी दोज मटेरियल्स विच फेबली मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फैबली मैग्नेटाइज का मतलब क्या है कि जो हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की है उसका जो उसका मैग्नीट्यूड देखे, और जो ये मैग्नेटाइज हुआ है इसकी जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मैग्नीट्यूड देखेंगे वो क्या होगा, मतलब कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई करी है उससे बहुत कम अमाउंट होगा इसका मैग्नेट्यूड का, मतलब कि स्मॉल अमाउंट में मैग्नेटाइज, उसमें मैग्नेटाइजेशन तो होगा लेकिन क्या होगा, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में मैग्नेटाइजेशन होगा। और क्या होता है सेकेंड, क्या होता है इसका कि जो हमारी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, जो उसका मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगी वो क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो क्या होगी, दीज मटेरियल्स मैग्नेटाइज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन।
इन अपोजिट डायरेक्शन टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि अगर हम इस डायरेक्शन में हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है, ये अगर हम इसके अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखा है, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होता है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, यही होता है हमारा मतलब। ये इसका साउथ पोल बन जाएगा और इधर नॉर्थ पोल बन जाएगा, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होती है। तो यहाँ पे डायरेक्शन देखे तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड आई उसकी डायरेक्शन इधर अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। तो हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होता है, जो उनकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती है, इसमें मैग्नेटाइजेशन आएगा वो क्या आएगा, अप्लाइड फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो ये होते हैं हमारी सेकेंड बात हो गई हमारे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। और क्या ये हमने बता ही दिया कि मतलब जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है उससे क्या होता है, इसका अमाउंट स्लाइटली होता है, स्लाइटली लेस होता है, मतलब कि थोड़ा कम अमाउंट में ये मैग्नेटाइज होगा। और ये इनकी जो मैग्नेटाइज फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। और जो अगर हम अपना जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है इसको हम यूनिफॉर्म में रखा तभी हमारा ये था, अगर हम इसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं तब इसका क्या बिहेवियर होता है वो बताते हैं। क्या नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, सबसे पहले तो ये बात, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कहीं पे ज्यादा डेंस है कहीं पे कम डेंस है, मतलब कि कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर स्ट्रोंग है कहीं पर वीक है, मतलब कि हम इस टाइप की फील्ड बोल सकते हैं जैसे ये जा रही है। तो इस पॉइंट पे देख, मतलब हम तीन पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट हमने ये ले लिया ए पॉइंट, ये बी पॉइंट ले लिया, ये सी पॉइंट ले लिया। तो इसमें क्या होगी, जो हमारा पॉइंट ए है उस पे देखो मैग्नेटिक जो फील्ड की लाइंस है वो क्या हमारी डेंस है, बी पॉइंट पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या है मतलब कम, इस पर यहाँ इसका जो स्ट्रेंथ होगी वो कम स्ट्रेंथ होगी, और इस पॉइंट पे देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का क्या होती है, कहीं पे डेंस्ड होती है कहीं पे लेस डेंस होती है, मतलब कहीं पे इनका मैग्नीट्यूड स्ट्रॉन्ग होगा कहीं पे वीक होगा। तो ऐसे अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम डायमैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं तो ये कहाँ मूव करती है, नॉर्मली हम देखें तो हमारी मूव करनी चाहिए वीक टू स्ट्रॉन्ग जानी चाहिए, लेकिन ये क्या जा सॉरी कहाँ जाती है, स्ट्रॉन्ग टू वीक जानी चाहिए, और ये हमारी कहाँ जाती है, इसमें थोड़ा अपोजिट होता है, हमारा जो एक्चुअल होना चाहिए उससे हमारा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो हमने यूनिफॉर्म में तो ये पढ़ लिया, और हमारा नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, कहाँ जाएगी ये हमारा, वैसे क्या जाता है, वीक टू स्ट्रॉन्ग जाना चाहिए हमारा, अब ये कहाँ जाएगी, लेकिन स्ट्रोंग से वीक की तरफ जाएगी। तो हमारी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे मूव फ्रॉम स्ट्रोंगर पार्ट टू वीक पार्ट। क्या होता है, ये जो हमारी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम डायमैग्नेटिक मैटेरियल को प्लेस कर रहे हैं तो हमारा कहाँ जाएगा, वो स्ट्रोंग पार्ट से जहां पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंग होगी उसमें अगर रख दें मतलब, तो वो वीक की तरफ मूव करेगा, वो स्ट्रोंग में नहीं रहेगा, वो क्या करेगा हमारा वीक की तरफ मूव करेगा। तो ये था हमारा, ये हमारे डायमैग्नेटिक की एक और प्रॉपर्टी होगी, क्या ये स्ट्रोंग टू वीक मूव करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगला जो हमारे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं ये क्या करते हैं, मतलब इनके अगर हम कंपेयर करें डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस से, तो जो हमारे डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर एटम्स होते हैं, जो हमारे डाइलेक्ट्रिक दो प्रकार के होते हैं पोलर और नॉन पोलर, तो जो हमारा नॉन पोलर एटम्स होते हैं नहीं उनकी तरह बिहेव करेंगे, जो हमारे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे नॉन पोलर एटम्स की तरह बिहेव करते हैं। और इसके एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दे इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ये क्या होते हैं, टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होते हैं, जो हमारे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते कि हम अपना जो मैग्नेट हमने किसी
सबस्टांस कहीं भी हमने डायमैग्नेटिक सबस्टांस रख दिया, वहां पे टेम्परेचर कम है ज्यादा है उस चीज पे इसका मैग्नेटाइजेशन डिपेंड नहीं करता, ये टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये हमारे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में था। इसके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, हम एग्जाम्पल के बारे में बताते हैं। जैसे हमारा कॉपर होता है, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, एटसेट्रा। जो हमारे जिंक, कॉपर, सल्फर, ये जो हमारे टाइप के मेटेरियल है, ये हमारे डायमैग्नेटिक मेटेरियल्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। ये था हमारा डायमैग्नेटिक मेटेरियल्स के बारे में। अगली टाइप क्या थी हमारे, जो क्लासिफाई किया था हमारा पैरा मैग्नेटिक मेटेरियल्स। तो हम पैरा मैग्नेटिक मेटेरियल्स के बारे में देखते हैं कि हमारे पैरा मैग्नेटिक मेटेरियल्स क्या होते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, तो हम इससे ही कंपेयर करके चलते हैं। हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी डायमैग्नेटिज्म की, वो क्या थी, दोज मटेरियल्स विच फेबली मैग्नेटाइज। नहीं, लेकिन जो हमारे पैरामैग्नेटिक होते हैं, ये क्या होते हैं, फेबली तो मैग्नेटाइज होंगे, लेकिन क्या हो गया फेबली मैग्नेटाइज। इनका क्या मतलब है कि जो इनका जो डायमैग्नेटिज्म था, इनका अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या था, एक्सटर्नल फील्ड से कम था, लेकिन पैरामैग्नेटिक का होता है एक्सटर्नल फील्ड से थोड़ा सा ज्यादा होता है, स्लाइटली ग्रेटर होता है। इनको हम बोल सकते हैं दोज मटेरियल्स विच फेबली मैग्नेटाइज। ये भी सही है हमारा कि फेबली मैग्नेटाइज होता है, लेकिन यहाँ पे फेबली मैग्नेटाइज का मतलब क्या है वो बता देती हूँ मैं। होते तो क्या है ये फेबली मैग्नेटाइज ही बोलेंगे इनको, फेबली मैग्नेटाइज्ड। लेकिन वो उनमें क्या होता है, हमारे डायमैग्नेटिक में क्या होता है, वो जो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उससे कम होगा उनका मैग्नीट्यूड। जो हमारा मैग्नीट्यूड की बात करें हम फील्ड का, तो उससे क्या होता है, कम होता है, लेकिन पैरा में क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो इसको बोल सकते हैं स्लाइटली ग्रेटर देन एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो इनका मैग्नेटाइज होगा, ये मैग्नेटाइज फील्ड होगी, वो क्या होगी, हमारी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उससे स्लाइटली ग्रेटर होगी। और हमने डायमैग्नेटिक की सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो क्या थी, हमारे दीज मेटेरियल्स मैग्नेटाइज इन अपोजिट डायरेक्शन टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। नहीं, जो हमारे पैरामैग्नेट होते हैं वो सेम डायरेक्शन में होंगे, जिस डायरेक्शन में हमारे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे हम उसी डायरेक्शन में हमारे जो इनकी मैग्नेटाइज फील्ड होगी पैरामैग्नेटिक की, वो भी क्या होगी, सेम डायरेक्शन में होगी। तो दीज मटेरियल्स मैग्नेटाइज्ड इन सेम डायरेक्शन। अपोजिट में क्या होते हैं, हमारे डायमैग्नेटिक अपोजिट में होते हैं, और पैरा क्या होते हैं, हमारे सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में हमारे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन हमारे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेटाइज होंगे। अगली प्रॉपर्टी थी हमारे इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर पार्ट टू वीकर पार्ट। ये हमारे क्या थे, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स थे, लेकिन जो हमारे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीक नहीं होते, ये इनके अपोजिट होते हैं, क्योंकि हमने देखा कि डायरेक्शन भी अपोजिट थी। तो ये क्या होंगे, हमारे इसमें भी क्या होंगे, दे मूव फ्रॉम वीकर पार्ट टू स्ट्रोंगर पार्ट, क्या होंगे, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या थी, वीक, कहीं वीक होती कहीं स्ट्रोंग होती है। तो डायमैग्नेट क्या था, मेरे स्ट्रोंग से वीक की तरफ मूव कर लेते, लेकिन जो हमारे पैरामैग्नेटिक मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वीक से स्ट्रोंग की तरफ मूव करते हैं। और अगला था हमारा ये टेम्परेचर डिपेंडेंट के बारे में पढ़ा था, उससे पहले हमने इसका पोलर नॉन पोलर बताया था, डाइलेक्ट्रिक। जो हमारे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं डाइलेक्ट्रिक के पोलर एटम की तरह बिहेव करते हैं। क्या था हमारा, डायमैग्नेटिक था वो हमारे डाइलेक्ट्रिक के नॉन पोलर एटम की तरह बिहेव कर रहा था, और जो हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स थे वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, हमारे पोलर, हमारे डायमैग्नेटिक नॉन पोलर की तरह बिहेव करेंगे, जो पोलर है वो, जो सॉरी पैरामैग्नेटिक है वो पोलर एटम की तरह बिहेव करेंगे। अगला था हमारा, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स थे वो क्या थे, हमारे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट थे, लेकिन हमारे जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो क्या होते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं हमारे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। और जो हम इनके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, हमारे एग्जांपल्स लेते हैं तो हमारा होता है एल्यूमिनियम,
प्लेटिनियम एटसेट्रा, ये सब हमारे सोडियम, सोडम सोडियम भी होता है हमारा, एक जो सोडियम होता है वो हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल ही होता है एटसेट्रा। तो ये था हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। तो हमने डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में भी पढ़ लिया और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ लिया। अब हमारे थर्ड पार्ट था, जो थर्ड टाइप है हमारे मैग्नेटिक मटेरियल्स की, वो क्या है हमारी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं वो देखते हैं। हम ऐसे इनसे कंपेयर करेंगे, इनकी जो प्रॉपर्टी हमने लिखी हुई है इनके साथ हम कंपेयर करके बताएंगे कि हमारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो देखते हैं हमारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पैरामैग्नेट, पहली प्रॉपर्टी है दोज मटेरियल्स विच फेबली मैग्नेटाइज्ड। ये थी हमारी डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, दोनों क्या आते हैं हमारे फेबली मैग्नेटाइज्ड होते हैं। लेकिन हमारे जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, क्या हमारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, जो हमारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो क्या आएगा, दोज मटेरियल्स विच फेबली मैग्नेटाइज्ड नहीं होते, विच फैबली नहीं होंगे, वो क्या होंगे हमारे लार्ज अमाउंट में मैग्नेटाइज होंगे। क्या हम अगर हम उनको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो क्या होगा, वो स्ट्रोंगली मैग्नेटाइज होंगे वहां पे। हमारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उनमें जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो स्ट्रोंग होगा। मतलब कि दोज मटेरियल्स विच स्ट्रोंगली मैग्नेटाइज व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि उनमें जो हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो मैग्नीट्यूड है, और हमारे जो क्या है हमने ये मेटल मैग्नेटाइज हुआ इनका मैग्नीट्यूड है, वो क्या होगा अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं कहीं ना कहीं, मतलब कि ज्यादा अमाउंट में वो मैग्नेटाइज होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या, हमारी दोज मेटेरियल्स मैग्नेटाइज इन सेम डायरेक्शन। ये मेटेरियल्स क्या होते हैं हमारे सेम डायरेक्शन में होंगे, हमारे फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल्स भी सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे, जिस डायरेक्शन में हमारे पैरा भी हो रहे थे, मतलब कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे थे उसी डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज होंगे, इनके डायरेक्शन सेम होंगी। इन नॉन यूनिफॉर्म दे मूव फ्रॉम वीकर पार्ट टू स्ट्रॉन्ग पार्ट, लेकिन क्या होते हैं दे मूव क्विकली, ये क्या करेंगे क्विकली मूव करेंगे हमारे हमारे क्योंकि पैरा भी थे वो क्या थे वीक से स्ट्रोंग पार्ट में मूव कर रहे थे, लेकिन वो धीरे करते हैं। लेकिन जो हमारे फेरो मैग्नेट होते हैं स्ट्रोंग होते हैं, इनका मैग्नेटाइजेशन भी स्ट्रोंग है, तो ये क्या करेंगे क्विकली मूव कर जाएंगे। एज कंपेयर टू पैरा देखे तो हम पैरा और फेरो को कंपेयर करें तो पैरा के कंपेरिजन में जो हमारे फेरो क्विकली मूव करेंगे वीकर पार्ट टू स्ट्रोंगर पार्ट। अगला था हमारा टेम्परेचर का, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन टेम्परेचर डिपेंडेंट कब होते हैं, ये जो एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे, उससे पहले ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। तो क्या होते हैं दे टेम्परेचर दे टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्या होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन कब होते हैं अबाउट सम टेम्परेचर, मतलब कुछ सर्टेन टेम्परेचर होते हैं उसके बाद ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट आफ्टर सर्टेन टेम्परेचर, मतलब एक टेम्परेचर का कोई लिमिट है हमारी, उस लिमिट के बाद अगर उससे ज्यादा हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो उस लिमिट के बाद ही ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे। तो ये हमारे पैरामैग्नेटिक मेटेरियल्स है, उसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं हमारे, निकल होता है हमारा इसका, कोबाल्ट होते हैं जो ये होते हैं हमारे, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनके एग्जांपल्स थे। तो हमने आज ये क्या क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स देखा कि हम अगर उनके बिहेवियर के बेस पे हम मैग्नेटिक मटेरियल्स को क्लासिफाई कर रहे थे, तीन पार्ट में हम इनको क्लासिफाई किया, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो अब हमने यहाँ पे एक सर्टेन टेम्परेचर की बात की थी, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारा क्या बताया था हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में बताया कि हमारे जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होते हैं,
उससे पहले इंडिपेंडेंट होते हैं। तो हमारा जो सर्टेन टेम्परेचर आया था, इसको हम क्यूरी टेम्परेचर नाम देते हैं, कि जो हमारा क्यूरी टेम्परेचर होता है उसके बाद हमारे फेरोमैग्नेटिक मेटल्स टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। तो हम देखते हैं हमारा क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं हमारा। मतलब क्या कि हम बताया था हमने कि एक सर्टेन टेम्परेचर होता है उसके बाद हमारा मेटल जो फेरोमैग्नेटिक मेटल्स होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। उससे पहले वो क्या रहता है, हमारा इंडिपेंडेंट रहता है। तो सर्टेन टेम्परेचर के बाद क्या होता है कि वो टेम्परेचर हमारे डिपेंडेंट हो जाते हैं। क्या हमारा क्यूरी टेम्परेचर, तो हमारा क्यूरी टेम्परेचर वो सर्टेन टेम्परेचर है मतलब जिसके बाद हमारा फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल्स टेम्परेचर पे डिपेंड करने लग जाता है। ये तो हमने इसके बारे में बता दिया। मतलब कि इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारे फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल्स होते हैं उनमें डोमेन्स होते हैं, या हम इनकी प्रॉपर्टीज, इनमें फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल्स के बारे में बताएंगे तब तुम्हारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं क्यूरी टेम्परेचर के बारे में बता रहे तो वहां पे इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। जो हमारे फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल्स होते हैं ना वो कुछ इस टाइप के होते हैं, मतलब कि उसमें कुछ अलग अलग डोमेन्स होते हैं। क्या हम तो ये डोमेन्स होंगे, मतलब इनमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये डोमेन्स में क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होगा इनका मैग्नेटिक मोमेंट, लेकिन ओवरऑल देखें तो इनका सेम ही नहीं होता, अलग अलग डायरेक्शन में होता है हमारा। तो जो 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 हमारा सेम डायरेक्शन में होता है उनका एक मतलब अलग से ग्रुप हो गया एक, इनको हम डोमेन्स बोल देते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक मेटल्स हमारे कुछ इस टाइप के होते हैं, डोमेन्स होते हैं इनमें। और जो हमारे पैरा की बात की थी, हमारे पैरा किस टाइप के होते हैं, हमारे उनमें रेंडमली होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स, वो किधर भी हमारे रैंडम डायरेक्शन में होंगे, उनका मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो हर इलेक्ट्रॉन का अलग अलग डायरेक्शन में होगा, वो रैंडमली में होते हैं। तो इनमें क्या होता है इस टेम्परेचर के बाद, जो टेम्परेचर से पहले होता है क्यूरी टेम्परेचर, इसका जो सर्टेन टेम्परेचर उससे पहले क्या होगा, ये डोमेन्स है ऐसे ही रहेंगे हमारे। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे क्या होगा, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं मतलब मेटेरियल के अंदर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, जो हमारा थर्मल एग्निशन होता है उसकी वजह से क्या होता है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब कि उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, वो रैंडमली मूव करने लग जाएंगे हमारे। तो उस जो एक टेम्परेचर लिमिट होती है जिसको हम क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं, TC से डिनोट करते हैं, इस टेम्परेचर के लिमिट के बाद क्या होते हैं, ये डोमेन्स होते हैं हमारे टूट जाते हैं, मतलब कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऐसे सेम सारे ऐसे ग्रुप बन के नहीं रहता, उनका मैग्नेटिक मोमेंट्स का क्या होता है, सारे रेंडमली हो जाएंगे, मतलब कि इस टाइप के हो जाएंगे सारे, उनमें वाइब्रेशंस होंगे तो वो रेंडमली मूव करने लग जाएंगे, हमारे डोमेन्स खत्म हो जाएंगे उस टेम्परेचर के ऊपर। तो क्या होगा, वो ये जो क्या था हमारा पैरा था और ये क्या थे हमारे फेरो थे। तो क्या होगा, इस टेम्परेचर के बाद जो हमारे फेरोमैग्नेटिक मेटल्स है वो पैरामैग्नेटिक मेटल की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर है उस जिस टेम्परेचर मतलब अबाउ क्यूरी टेम्परेचर जो हमारा फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल है एज ए पैरामैग्नेटिक मेटेरियल की तरह बिहेव करने लग जाता है। कैसे बिहेव करता है वो भी हमने बताया, इस टेम्परेचर के बाद क्या होगा, इनके जो डोमेन्स बन रहे हैं इसके अंदर वो खत्म हो जाएंगे, रैंडमली मूव करेंगे एज ए पैरामैग्नेट की तरह, जो इनके भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वैसे मूव करने लग जाते हैं, मतलब कि हमारा जो फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल्स होता है वो एज ए पैरामैग्नेटिक मेटेरियल्स की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो उस टेम्परेचर को, उस सर्टेन टेम्परेचर को हमने क्यूरी टेम्परेचर नाम दिया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, हमने क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स पढ़ा है और हमने क्यूरी टेम्परेचर के बारे में पढ़ा। तो अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके जरूर बताना, और आपको इन सबसे रिलेटेड हमारे नोट्स चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप पर ग्रुप है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा, वहां से आप सारे रिलेटेड नोट्स ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।